हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की जो हमारी क्लास है, 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट का 7th चैप्टर जो कि हम कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिए थे, और आज हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपने गोवा की सैर की थी, सेकंड कर्नाटक के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट जो कि कहाँ पे, कुर्ग में आपने अपनी जो जर्नी को कंटिन्यू किया था। आज हम एक इंडिया की तीसरी जगह के ऊपर, क्योंकि देखिए इसका चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, यानी भारत की झलक। वो तो राइटर जो है अलग अलग जगहों के ऊपर आपको इंडिया के अंदर कौन कौन सी अच्छी अच्छी जगह है वहां बताना चाहता है, और आज आपको राइटर लेके जा रहा है कहाँ पे, असम के अंदर। असम जो एक आपके कंट्री का, आपके देश का, आपके इंडिया का एक स्टेट है, जो किस चीज के लिए फेमस है, टी प्लांटेशन के लिए। बने किसके लिए, तो इसका जो टाइटल जो है वो क्या है, टी फ्रॉम असम, ठीक है ना, क्या है इसका, टी फ्रॉम असम। और इसके जो राइटर है, इसके जो लेखक है वो कौन है, अनूप कुमार दत्ता। हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, अनूप कुमार दत्ता जो है इसके राइटर हैं, और इसके राइटर इसका चैप्टर का टाइटल है वो है टी फ्रॉम आसाम। ओके, तो चलिए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है। आप जो टी प्लांटेशन है उसके बारे में आज समझेंगे कि असम का जो टी प्लांटेशन है वो किस तरह से है, ठीक है ना। तो राइटर सबसे पहले बताता है यहाँ पे इसके चैप्टर के अंदर दो जो है स्टूडेंट होते हैं, वो दोस्त भी आप कह सकते हैं, दो दोस्त होते हैं, प्रेंजोल और राजवीर। क्या नाम देख रहे हैं आप, एक प्रेंजोल है एक राजवीर है, ठीक है। प्रेंजोल और राजवीर दोनों अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और वो दिल्ली के अंदर अपने एक कॉलेज के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और प्रेंजोल जो है बेसिकली असम का रहने वाला है, और वहां पे राजवीर के साथ ही कॉलेज में पढ़ाई करता है, ठीक है ना, दिल्ली के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। और अब जो है वहां यहाँ पे छुट्टियां हो रही हैं, और प्रेंजोल जो है अपने घर जाना चाहता है, ठीक है ना। उससे पहले बताता है इसमें प्रेंजोल, क्योंकि कहाँ का है, असम का है, तो प्रेंजोल के जो फादर है वो असम के अंदर एक टी जो गार्डन है उसके मैनेजर है, गार्डन ऑफ असम का जो गार्डन है, यानी बड़े बड़े जो गार्डन होते हैं उसमें मैनेजर है कौन, प्रेंजोल के फादर। और प्रेंजोल क्या करता है, प्रेंजोल क्या करता है, क्योंकि छुट्टियां हुई थी अब वो अपने अपना घर जाना था, तो प्रेंजोल इनवाइट करता है किसको, राजवीर को। प्रेंजोल किसको इनवाइट करता है, राजवीर को, क्या कहता है कि आज तुम मतलब इस छुट्टियों में तुम क्या करोगे, मेरे साथ है असम चलो, वहां पे तुम्हें असम के अंदर जो टी का है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। और इससे राजवीर जो है बड़ा खुश होता है, बहुत एक्साइटेड होता है, और वो असम के लिए निकलते हैं। किससे जा रहे हैं वो, बाई ट्रेन, किससे जा रहे हैं वो, बाई ट्रेन, यानी दिल्ली से वो ट्रेन से असम जा रहे हैं। और एक्साइटेड कौन एक्साइटेड था, राजवीर एक्साइटेड, क्योंकि प्रेंजोल का तो घर ही था, प्रेंजोल तो अपने घर के जाने के लिए एक्साइटेड था, वो उनकी गार्डन को उनको देखने के लिए एक्साइटेड नहीं था। लेकिन ये जो है राजवीर, ये बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि असम के अंदर टी गार्डन किस तरह के होते हैं, टी के जो बड़े बड़े बागान जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। और वो ट्रेन से जब जाते हैं तो ट्रेन स्टेशन के ऊपर जब रुकती है, स्टॉप क्या स्टॉप हुई, ट्रेन जब स्टेशन के ऊपर रुकती है तो वहां वो असम पहुंचने वाले थे, तभी जो वेंडर होता है ना, जैसे आपने भी कभी अगर जो ट्रेन होती है उसकी अगर आपने यात्रा की है, तो ट्रेन स्टेशन पे रुकती है तो वेंडर आ जाते हैं, काफी कुछ चीजें बेचने वाले आ जाते हैं, तो वहां पे भी उसे राजवीर था, जैसे ही ट्रेन रुकी उसे आवाज सुनाई दी, और क्या आवाज सुनाई दी, वेंडर की आवाज सुनाई दी, और वो क्या कह रहा था, चाय गरम गरम चाय, इस तरह की वो आवाज लगा रहा था। क्वेश्चन है ये इसमें, ठीक है ना, कि वेंडर जैसे ही ट्रेन स्टॉप हुई वेंडर ने क्या आवाज लगाई, तो उसमें दो टाइप से पूरा उसको लिखेंगे, चाय गरम और फिर कोमा फिर गरम चाय, इस तरह से वो आवाज लगाते हुए मूव कर रहा था, और ये आवाज राइट इसको राजवीर को भी सुनाई देती है, ठीक है। और राजवीर को सुनाई देती है तो क्या करते हैं, प्रेंजोल और राजवीर जो होते हैं दो कप चाय ले लेते हैं और चाय की सिपिंग कर रहे हैं, यानी चुस्कियां लगा रहे हैं, ठीक है, समझ आए यहाँ तक। उसके बाद आगे देखिए,
अब वो बताता है कौन, राजवीर बता रहा है प्रंजोल, नहीं राजवीर बताता है। और क्या बताता है प्रंजोल को कि पूरी दुनिया में अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड में बात करें, तो एक दिन में, ध्यान से सुनना, पूरे दिन में अगर हम बात करें, एक दिन में पूरे वर्ल्ड के अंदर 80 करोड़ यानी 80 करोड़ जो चाय के कप हैं यूज होते हैं। पूरी दुनिया के लोग एक दिन में 80 करोड़ कप चाय पी जाते हैं, ठीक है ना। ये राजगीर ने प्रंजोल को बताया, ये आपकी जानकारी के लिए भी है कि चाय का चलन कितना ज्यादा है, ये चीज आप देख सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड में असम जो है ना सबसे बड़ा चाय का प्लांटेशन करता है, ठीक है। अब क्या करता है प्रंजोल, जो आप ट्रेन फिर चल देती है भाई, ठीक है। और प्रंजोल क्योंकि वो बाहर की चीजों को देखने का इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि वो अक्सर आता जाता था, उसे सारी चीजें देखी हुई थी। तो प्रंजोल क्या करता है, रीड कर रहा है, वो अपने ट्रेन में आराम से बैठ के रीड कर रहा है अपनी डिटेक्टिव बुक को, जिसको वो अपने साथ लेके आया था, वो अपनी उस बुक को रीड कर रहा है, कौन, प्रंजोल। लेकिन राजवीर था वो, जो उसका दोस्त था, बड़ा ही एक्साइटेड था। राजवीर जो उसका दोस्त था वो बड़ा ही एक्साइटेड था, बिकॉज ही वांट्स टू सी द ब्यूटीफुल साइड आउटसाइड द ट्रेन, ट्रेन के बाहर की तरफ, वो बाहर की तरफ अच्छे अच्छे साइड्स को देखना चाहता था, उन ब्यूटीफुल सीन को देखना चाहता था, ठीक है ना। और राजवीर बाहर की तरफ देखता है और उसने क्या क्या चीजें देखी, पैडी फील्ड देखी। पैडी फील्ड समझते हैं, पैडी फील्ड क्या होता है, पैडी फील्ड अंदर आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर, पैडी फील्ड आप कह सकते हैं जिसमें जो स्टेप वाइज खेत होते हैं, स्टेप वाइज इन द सेंस कि जिसमें सीढ़ियों की तरह खेत होते हैं, वो बेसिकली ये जो खेत होते हैं ये असम की तरफ ही मिलते हैं, पहाड़ी एरिया है। और उसके अंदर क्योंकि आपको पता है उधर बारिश भी ज्यादा होती है, और जो चाय की प्लांटेशन के लिए बारिश की काफी जरूरत होती है, तो जब पानी जब उसमें से आता है तो वो सीढ़ियों की तरह खेत होते हैं, सीढ़ी नुमा खेत कह सकते हैं आप इनको, पैडी फील्ड को, जिसमें वो पानी वहां पे जमा होने की बजाय एक स्टेप के बाद, जैसे एक सीढ़ी से फिर दूसरे पे फिर तीसरे पे, इस तरह से वो बह के चला जाता है। यानी पानी की जरूरत है लेकिन इकट्ठा नहीं होना चाहिए, और सीढ़ी नुमा खेतों से नीचे चला जाता है। तो वहां पे राजवीर को बहुत सारे पैडी फील्ड देखने को मिले, ठीक है। दूसरी क्या चीजें देखने, शेडी ट्री यानी छायादार बहुत सारे पेड़ थे वहां, उन चाय के बागानों के साथ, उन पैडी फील्ड्स के साथ उसको शेडी ट्री बहुत ज्यादा दिखाई दिए, ठीक है। अब ये चीजें वो देख रहा है, और इसमें राइटर एक चीज आपको और बता रहा है कि द लार्जेस्ट टी प्लांटेशन, असम इज द लार्जेस्ट टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड, दैट दिस इज द लार्जेस्ट यानी सबसे अच्छी क्वालिटी की और सबसे ज्यादा जो चाय का प्लांटेशन होता है वो कहाँ पे होता है, असम के अंदर ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप कह सकते हैं इसमें, अब आपको एक स्टोरी जो बताया जाता है इसमें, राइटर आपको दो छोटी छोटी कहानियां बता रहा है जिससे पता चलता है कि चाय जो थी, जिससे क्या पता चलता है कि जो चाय थी वो किस तरह से हमारे सामने आई, यानी लोग कब से इस चाय को पीना शुरू करते हैं और कब से इसको मानते हैं कि ये हमारे लिए एक बेवरेज है, ठीक है ना। तो इसमें राइटर एक पहली स्टोरी बताता है, कहानी एक ध्यान से सुनिए, और वो कहानी किसकी है, एक चाइनीज एम्परर की, एक चाइनीज राजा की कहानी है, ठीक है ना। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये चाय जो है ना, चाय वर्ल्ड कहाँ से आया है, चाइना से ही आया है, ठीक है ना। सबसे पहले ये चाइना में ही शुरू हुई थी, वो आगे बताएगा राइटर आपको। लेकिन इस कहानी में क्या बताता है, एक चाइनीज एम्परर की कहानी, एक चाइनीज राजा था, ठीक है। और एक बार क्या होता है, वो अपने जो राजा के जो साथी आप कह सकते हैं या उनके जो सैनिक होते हैं उनको लेके वो एक फॉरेस्ट में जाता है, एक जंगल में जाता है, कौन, वो चाइनीज एम्परर, ठीक है। और वहां पे जाने के बाद क्या हुआ, वो शिकार वगैरह करता है, एंजॉय करता है, और फिर थक जाता है, ठीक है। और थकने के बाद क्या होता है, अपने सैनिकों के साथ वहीं पे एक जगह पे रुक जाता है, और वहां उसके सैनिक उसे जो बॉइल्ड वाटर है कि गर्म पानी से जिससे थकान थोड़ी दूर हो जाए वो उसे देते हैं। और तभी वहां क्या होता है, जब वो पानी को गर्म कर रहे थे तो कुछ जो
ट्री प्लांट होते हैं, यानी ऊपर से वहाँ टी का एक प्लांट था और उस टी के जो पत्ते होते हैं वो उस पानी में गिर जाते हैं। ठीक है, यानी राजा वहाँ पे आराम कर रहा था, राजा के सैनिक जो है वहाँ उसको गर्म पानी उसकी थकान दूर करने के लिए उसे देते हैं, तो क्या होता है उस पानी के अंदर चाय के कुछ पत्ते गिर जाते हैं जिनको पीने के बाद राजा को उसकी खुशबू और दूसरा उसमें कहता है कि राजा जो है एकदम चुस्त फील करता है, बहुत अच्छा फील करता है कि उसकी थकान दूर हो गई चाय पीने से। तो वो तब से कहता है कि इस टी प्लांटेशन को, ये जो टी है तब से इसका जन्म हुआ, यानी उस राजा ने उसकी खोज की थी कि बेसिकली ये जैसे कि हम कई बार थक जाते हैं तो चाय की जरूरत होती है, तो ये चाय जो है हमारी थकान को भी मिटाती है। ठीक है, उसके बाद कहता है एक दूसरी कहानी और इसमें बताई गई है जो चाय के ही मतलब ओरिजिन से इसका जन्म के लिए मानी जाती है, और ये दूसरी कहानी एक बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में है। बुद्धिस्ट मॉन्क आप समझ सकते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क यानी जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके बारे में है। ठीक है, तो क्या कहता है इसके लिए कि बुद्धिस्ट जो है वो जो बौद्ध धर्म का वो भिक्षु था वो क्या करता था कि मेडिटेशन करता था। ठीक है, वो मेडिटेशन करता था और जब वो मेडिटेशन करता था तो बेसिकली उसे नींद आ जाती थी, वो सो जाता था। ठीक है, और इसके लिए उसकी जो मेडिटेशन होती थी वो प्रॉपर नहीं हो पाती थी, इसलिए उसने क्या किया अपने जो इनको हम कह सकते हैं जो आई लीड्स होती हैं, ठीक है ना, आई लीड्स होती हैं, उसने क्या किया उन्हीं को काट दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया अपनी जो आई लीड्स थी उनको काट दिया ताकि ये, क्योंकि ये पलक जो होती है ये ही बंद होने से हमें नींद आती है, तो उसने उनको कि ये बंद ही नहीं होंगी तो फिर कैसे नींद आएगी। ठीक है, तो उसने क्या किया उन आई लीड्स को काट के वहां पे डाल दिया, और जहां पे उसने उन आई लीड्स को डाला था वहां कुछ प्लांट जो है ना वो उगाए थे, और वही प्लांट को टी प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि क्योंकि उसने नींद को भगाने के लिए उन आई लीड्स को काटा था और वहां पे प्लांट्स का जन्म हुआ था, तो इसीलिए हम चाय के पीने से हमें भी नींद कम आती है और हम चुस्त रहते हैं। तो ये दो कहानियां हैं जो बताती हैं कि चाय का आगमन हमारे सामने कैसे आया था या कैसे हुआ था। ठीक है, समझ आया। उसके बाद कहता है स्टार्टिंग जो थी इसकी चाइना से ही शुरू हुई थी, चाइना इसीलिए इसको चाय भी चीनी भी चाइनीज ये सारे जैसे वर्ड हैं जो चाइना के ही हैं। ठीक है, और यूरोप के अंदर ये 16 सेंचुरी में आई थी, चाय जो है यूरोप के अंदर 16 सेंचुरी में आई थी एज अ मेडिसिन, यानी एज मेडिसिन के रूप में कि भाई नींद को भगाने के लिए थकान को मिटाने के लिए इसका यूज किया जाता था, तो 16 सेंचुरी में एज मेडिसिन इसको यूज किया गया। और आजकल तो जो है इसका जो एक तरह से प्रचलन भी चल रहा है, हर घर में चाय को यूज किया जाता है, जैसा कि पहले बताया 80 करोड़ कप जो चाय के पूरे वर्ल्ड में, एक अप्रोक्स आइडिया बताता है कि 80 करोड़ कप चाय एक दिन में पूरे वर्ल्ड में यूज होते हैं। फिर आगे क्या कहता है दोनों पहुंच जाते हैं, यानी वहां पे पहुंचते हैं किस जंक्शन पे, मरियानी जो जंक्शन होता है उस जंक्शन पे, यानी ट्रेन वहां मरियानी जंक्शन के ऊपर जाके रुकती है, और वहां पे वो क्या करते हैं जो प्रेंजोल था उसके पेरेंट्स वहां आ जाते हैं उनको रिसीव करने के लिए बाई कार से वो आए हैं, और जहां से वो कहां पहुंचते हैं ढेकिया बाड़ी जो जगह है वहां पे पहुंचते हैं, ढेकिया बाड़ी जो जगह है उस पे मरियानी जंक्शन से उनके पेरेंट्स उनको लेने के लिए आए हैं प्रेंजोल के कार से वो जाते हैं और कहां पहुंचते हैं ढेकिया बाड़ी। ये क्वेश्चन होंगे बेटा इसमें, कहां ट्रेन रुकती है मरियानी जंक्शन, कार से कहां पहुंचे ढेकिया बाड़ी, वहां जाके उसने क्या देखा बहुत सारी टी बसेस को देखा, यानी जो चाय की जो बड़ी बड़ी झाड़ियां थी उनको उसने देखा, बड़े बड़े खेतों को देखा, इवन उसके बाद वो कहता है उसने वुमेन्स को भी देखा जिनकी जो बैग के ऊपर बास्केट थी और वो टी जो लीव्स थे उनको कलेक्ट कर रही थी। ठीक है ना, उन औरतों को उसने देखा जो टी लीव्स, ये एक तरह से मतलब जो यहाँ की असम की जो काफी औरतें हैं इस प्रोफेशन में जुड़ी होती हैं जो कि मतलब सुबह शाम अपने से अर्निंग करती हैं, तो उनके जो पीठ पे बास्केट थी और वो टी लीव्स को तोड़ रही थी। ठीक है, उसके बाद कहता है
क्योंकि वहां जब वो पहुंचते हैं तो वो स्प्रॉटिंग सीजन था, स्प्रॉटिंग सीजन इन द सेंस से स्प्रॉट कर रही थी टी लीव्स, इसीलिए वो वहां पे पहुंचते हैं। और मेन जो इनका सीजन होता है स्प्रॉटिंग सीजन का असम के अंदर, वो कौन सा होता है, मई टू जुलाई होता है, ठीक है ना। तो ये आज इस लेसन के थ्रू बेटा आपने असम की जो चाय है उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जाना, इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जाना। आई होप आपको समझ आए होंगे, और विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू विल फाइंड आउट द क्वेश्चंस, यू विल मेक द क्वेश्चंस योरसेल्फ। सो इन द नेक्स्ट क्लास यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पार्ट 3 एंड आल्सो पार्ट 2, यानी कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम दोनों ही पार्ट के आपको लेसन के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। बाकी आप लोग अपने आप से भी इनके क्वेश्चन बनाएंगे, फर्स्ट जो पार्ट था उसके क्वेश्चन दिए जा चुके हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू।